अंदर कह रही है जाओगे उस दिन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन खड़े मंच पर भाई साहब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अमर गांधी टिप्पणी करता है ये काली चरण, इसका नाम है भाई साहब काली है। वाकई में सब हरकतें ना जाने कैसी होंगी। जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इज्जत नहीं करता, जो बखदा अमर गांधी टिप्पणी करता है, ऐसे व्यक्ति पर कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए आप लोग खुद बताइए। ये गोडसे की तारीफ करता है जिसने गोली मारी थी महात्मा गांधी जी के छाती पर, गोली मारी थी हमारे राष्ट्रपिता को, गोली मारी थी, ऐसे गोडसे की तारीफ करता है काली चरण। ये काली चरण भाई साहब वाकई में काली है, कहा बताना कह नहीं सकते भाई साहब। फिलहाल रंजीव सुहास्तु जी की बातें सुनिए, जमकर झाड़े बस सब कायदे से बुद्धि की बात आ रही है। महान तो क्या हो तुम। कालीचरण की गिरफ्तारी हो गई, वो महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी कर रहे थे, उनको महात्मा कहने में भी शर्म आ रही है। ऐसा काहे काम करते हैं आप, क्या बोलेंगे ऐसे महात्माओं पर? नहीं करना चाहिए, संत हमारी गरिमा है, संत पद है, संत हमारा सिंहासन है, हमारे धर्म का सर्वोच्च शिखर है। इन लोगों के मुखारबंद, संतों के मुखारबंद से अब शब्द सुनने के लिए ये देश और समाज और दुनिया कोई तैयार नहीं। अब काले बाल वाले काले चरण, माफ कीजिएगा काली चरण नाम है इसका, बस वाकई में नामों देखो कैसा है, कह देंगे तो दिक्कत है हो जाएगी। चलिए आगे सुनिए रंजीत भाई श्रीवास्तव जी और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें कह रही करते हैं, मूर्ति पूजा को लेकर बोलते हैं, इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए अज्ञानियों पर कोई टिप्पणी नहीं होती है। मैं पहले तो ईश्वर और देवताओं के संबंध में जानकारी हासिल करनी चाहिए। हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारी श्रीमद् भगवद गीता चीख चीख कर कह रही है कि ईश्वर ऋग्वेद के दसवें मंडल की 52वीं सूक्ति का पहला श्लोक है कि ईश्वर मेरे अंदर विराजमान है। 33 कोटि देवता 8 वर्ष के रूप में, पृथ्वी जल आकाश से सूर्य अग्नि मेरे अंदर विराजमान है, जल भी है अग्नि भी है सब है। आदित्य 12 महीने जो नक्षत्र के रूप में है मेरे अंदर विराजमान है, मेरा भाग्योदय मेरा जीवन चक्र उन्हीं से चलता है। रुद्र 10 प्रकार की हवाएं और प्राण हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है, क्या शरीर से प्राणों को निकाला जा सकता है? क्या शरीर से अग्नि को अलग किया जा सकता है? क्या शरीर से सोम को अलग किया जा सकता है? क्या शरीर से वायु को अलग किया नहीं किया जा सकता है? और जहाँ देवता होते हैं वहीं पर ईश्वर निवास करता है। उन अज्ञानियों को अपने को भी देखना चाहिए, ये जो मेरे शरीर में है वो पूरी दुनिया के प्राण मात्र के शरीर में है, किस ईश्वर का विरोध कर रहे हो? ये अल्लाह नहीं है जो अर्श पर बैठा हुआ है, ये ईश्वर है जो तुम्हारे अंदर है। इनको मंदिरों तक सीमित न कर दो, ये मेरी आस्था नहीं है, आस्था से पर इनकार किया जा सकता, हमारी आस्था पर हो या न हो, ईश्वर सत्य है, सत्य से इनकार नहीं होता है, सत्य एक होता है और ईश्वर हमारा सत्य है। मैं उन नास्तिकों को बताना चाहता हूँ, ईश्वर और देवताओं को तुम इसलिए नहीं भजते हो, इसलिए भजते हो कि उनसे ही तुम्हारा शरीर है, तुम अपने शरीर को स्वयं भज रहे हो, ये तुम्हारे अपने शरीर की पूजा है, जिस दिन शरीर त्यागोगे उस दिन इनको भूल जाना। अब जब काली चरण का मुद्दा उठा था भाई साहब, और जब बखदा बीजेपी के प्रवक्ताओं को ढूंढा जा रहा था और बीजेपी के प्रवक्ता भाई साहब कुर्सी पकड़ कर घर पर बैठे थे, तब बखदा रंजीत भाई श्रीवास्तव जी को बुलाना चाहिए था। ये भाई साहब वो प्रवक्ता बन सकते हैं जो करारा जवाब भी देते और हमारा बच्चे तो उनको उपाधि भी दिलाते। पर बाराबंकी के लिए 24 की बार पर वीडियो कैसे लगी कमेंट के बताओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।